नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए निपुण संवाद के माध्यम से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने संदेश भेजा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें शिक्षकों की क्या दायित्व है, शिक्षक क्या दायित्व अपने आप को निभाएंगे या निभाते हैं, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। यहाँ पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रिय शिक्षक गण, हमारी संस्कृति और परंपरा मातृ देवोभव पितृ देवोभव के साथ साथ आचार्य देवोभव की रही है। अर्थात गुरु का स्थान माता पिता के समान ही पूजनीय और सम्माननीय रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बच्चों के व्यक्तित्व एवं शिक्षक का छाप उतना ही गहरा है जितना कि उनके माता पिता का। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता और योग्यता को पहचान कर उन्हें उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें एक सशक्त नागरिक के रूप में तैयार करते हैं। बच्चों में भाषा और गणित के बुनियादी कौशलों को विकसित करने के लिए मिशन निपुण बिहार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करवाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात को कम करने के लिए शिक्षकों की बहाली भी की गई है। सभी शिक्षकों को आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाठ्यचर्या में बदलाव भी किए गए, मूल्यांकन प्रणाली मजबूत भी की जा रही है और विद्यालय तत्परता कार्यक्रम को मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में आप सभी शिक्षकों के लिए सहयोग सामग्री के रूप में निपुण संवाद मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को बिहार के सभी विद्यालयों में प्रसारित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण, बच्चों के सीखने का तरीका आदि पर आपके द्वारा लिखे गए लेख अति प्रशंसनीय हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर अपर मुख्य सचिव का सिग्नेचर हस्ताक्षर आप सभी के सामने में है। तो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता के समान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। तो ये बड़ी बात है, आप अपनी जिम्मेदारी से कहीं मत भागिए। इस संदेश के माध्यम से यह आप जान लीजिए, यदि आप विद्यालय जाते हैं तो बच्चों को अपने बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। ये मेरा कहना नहीं है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का कहना है। तो हम लोग लगातार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह हमारा ही बच्चा है, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छे से आप उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिएगा। यह संदेश सभी शिक्षकों के हृदय को चुभने वाला संदेश है और हम इसके लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी शिक्षकों की तरफ से हम यह जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम सभी आपका यह जो संदेश है उसको जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो अपन मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का यह संदेश बिहार के तमाम 6.5 लाख शिक्षकों के लिए है और जो आगे शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए भी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह संदेश सकारात्मक भाव में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय भी जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सधन्यवाद।